की सरकार में महंगाई से परेशान लोग, सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, महंगाई की बोझ से दबा इंसान, ये कहना है सीपीएम, सीपीआई, जेडीयू, एनसीपी, भ्रष्टाचार विरोधी मंच, लोक अधिकार मंच, भारत जोड़ो अभियान का। उनका कहना है कि भाजपा की सरकारों से लोग परेशान हैं, इसलिए भाजपा हराओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत उन्होंने प्रेस वार्ता कर लोगों से अपील की है। सबसे पहले बैठे हुए हैं राकेश मिश्रा जी, विष्णु शर्मा जी, मैं ओम प्रकाश अग्रवाल, जेडीयू नरेंद्र भदौरिया, कर्मचारी यूनियन सीटू के मनोहर जी, सीबीआई के मनोहर और पुष्पराज जी, सामाजिक कार्यकर्ता जो है कि आज देश की स्थिति ना विकास हो रहा है ना कोई काम हो रहा है। सारी बातें लिख दी गई हैं बिग डिटेल में, हमारे सभी साथियों से आप जो कुछ पूछना चाहेंगे वो बताएंगे। संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए, घृणा के खात्मे, खुशहाली के लिए हम विनम्र अपील करना चाहते हैं कि भाजपा इस देश के लिए विकास में घातक है, भ्रष्टाचार के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और इसीलिए आज सरकार युवा, किसान, मजदूर, दलित, व्यापारी सब परेशान हैं। हम बेहिचक ये कहना चाहते हैं कि कृपया आम जनता फैसला ले जिससे भाजपा हटाओ। हम किसी दल विशेष के लिए प्रचार नहीं कर रहे, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर ये महसूस किया कि हमको इस शासन को बदलना है। हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में काम कर रही है, उसने जनहितैषी कामों को रोका है और यहाँ पर बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ी है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए जो भी सक्षम कैंडिडेट हमारे गुना शहर को दिखता है उसको भी चुने और इस सरकार को पलटे। ये अभी इस चुनाव में मध्य प्रदेश का भविष्य तय होना है, और पिछले 20 साल जब ये भाजपा की सरकार, यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार यहाँ स्थापित हुई मध्य प्रदेश में, उसी समय ये समझ में आ गया था जब नोट गिनने की मशीन ये मुख्यमंत्री के घर में आना शुरू हुआ, तब से समझ में आ गया था। और उसके बाद मध्य प्रदेश में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, व्यापम जैसा घोटाला जिसमें 5 पीढ़ियों का भविष्य नौजवानों का बर्बाद हो गया, और ऐसे तमाम घोटाले सामने आए हैं, तो ये जो भाजपा की सरकार है, देखो जहाँ केंद्र की डबल इंजन की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, कौन के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं? अल्पसंख्यकों के ऊपर, मुस्लिम, ईसाई, और यहाँ तक कि जैन समाज के भी नीमच में ये जिस तरीके से ये हत्या की गई है, तो ये सामने इनका चेहरा दिखाई दे रहा है। और ये डबल इंजन की सरकार का मतलब ये है कि केंद्र की सरकार ने मेहनत कशों के 44 श्रम कानून जो आज़ादी के पहले भी लड़कर हासिल किए थे उनको ख़त्म कर दिया, और मध्य प्रदेश की ये डबल इंजन की ही सरकार के हिस्सा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक ऐसा कानून यहाँ पर बना दिया कि हायर एंड फायर, ये फिक्स टर्म का कानून, जिससे कि मजदूर कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो गया। चुनाव में काले धन का जो उपयोग हो रहा है भारी भरकम तरीके से, बीजेपी इस तरीके से पैसा देकर खरीद रही है, वोटरों को खरीद रही है, मतदाता को प्रभावित कर रही है, एक बहुत बड़ा कारण है। आप देख रहे हैं कि तमाम लोग बीजेपी को जिताने के लिए, कौन सी शक्तियां हैं जो इस देश में बीजेपी को जिताना चाहती हैं? आम आदमी परेशान है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस, लेकिन स्थिति क्या है? जो जमीन पर है वो आपको दिखता है, यहाँ कलेक्टर की पोस्ट भी 2-3 करोड़ साल की है, एसपी छोटे से छोटा है, तहसीलदार भी सब जगह पोस्ट, चाहे वो पीआई हो, सब जगह पोस्ट पैसे से बढ़ती है, खरीदी जा रही है, और
उनसे वसूली करके ऊपर पैसा जा रहा है। बिल्कुल नहीं है, आप देखिए ना, अगर हम है हमारे दम पर है, जितने भी वामपंथी है, या आप ये छोड़ दीजिए कि गैर भाजपाई जितने भी दल है उनके पास कोई काला दल नहीं है। आप प्रमाणीकरण दे सकते हैं? अब प्रमाणीकरण तो इस बात का भी नहीं है कि हमारे पास है कि नहीं है, इस बात का अगर प्रमाणीकरण की बात करेंगे तो बड़ा लंबा। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।